उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में पैंथर की आहट देखने को मिली है, जिसके बाद लोग दहशत में हैं। आदमखोर पैंथर ने आतंक मचाया हुआ है। 3 लोगों की जान अब तक ये पैंथर ले चुका है। वन विभाग की टीम को पैंथर की तलाश, सेना की भी मदद ली जा रही है। आदमखोर पैंथर का आतंक इस वक्त उदयपुर में देखा जा रहा है। मरुधरा में भी आदमखोर पैंथर ने आतंक मचाया हुआ है। 3 लोगों की जान अब तक ये पैंथर ले चुका है। वो दबे पांव आता है, इंसानों को शिकार बनाता है। 3 दिन 3 मौत, खौफ में 6,000 लोग। आदमखोर का खूनी वार 5 किलोमीटर के दायरे में हाहाकार। आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है और गांव वाले दहशत में हैं। अभी तक तो डर का माहौल है। हमारा बच्चा कोई भी घास लेने के लिए अकेले जंगल में और पाली में अपने मवेशी के लिए घास लेने के जाने के लिए बहुत परेशानी है। हमला कर तो मार डालता है, इसीलिए मैं थोड़ा परेशानी से लड़ा। राजस्थान के उदयपुर का गोगुंदा क्षेत्र डर और दहशत के साए में है। ये जंगल दिख रहा है, इस झाड़ियों में छिपा हुआ है पैंथर। इस इलाके में पिछले 3 दिनों में पैंथर के हमले में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हर तरफ मौत का मातम है और जमीन पर पैंथर के हमले के निशान चस्पा हैं, लेकिन खूनी आदमखोर कहाँ है कुछ पता नहीं। लगातार हमलों से दहशत में जीने को मजबूर गांव वालों का सब अब जवाब देने लगा है। खूनी पैंथर मई के महीने से अब तक 9 लोगों की जान ले चुका है। आखिरी बार आदमखोर को सोलरिया गांव में घूमते देखा गया, लेकिन इसके बाद से पैंथर के सिर्फ हमलों की खबर आई। अभी तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है, इसलिए हमने और सरपंच साहब ने, एसडीएम साहब ने भी ये तमाम लोगों से भी अपील की उस जंगल में नहीं जावे। सरकार की तरफ से हमारे को अभी फुल मदद मिल गई। खूनी पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कई टीमें तैनात की हैं। अब आर्मी के जवानों की भी मदद ली जा रही है। रात के अंधेरे में पैंथर की लोकेशन ट्रैक करने के लिए नाइट विजन कैमरा और दूरबीन लगाई गई है। 5 किलोमीटर के एरिया में ड्रोन की मदद से पैंथर की तलाश की जा रही है। वन विभाग की टीम उड़ीथल, भेवड़िया और उमरिया समेत कई जगहों पर निगरानी कर रही है। 3 अलग अलग जगहों पर पिंजरे भी लगाए गए हैं। ये बात और है कि पैंथर अब तक पिंजरे में कैद नहीं हो सका है। अभी हमारी तरफ से जैसे कि कल तो हमने यहाँ पिंजरे लगा दिए थे जो मेन लोकेशन पर, फिर एक सुबह एक और लोकेशन पर मतलब पैंथर का मूवमेंट मालूम चला तो हमने वहाँ पे पिंजरे लगा दिए। 3 ट्रैंक्विलाइजिंग टीम उदयपुर, राजसमंद और जोधपुर से आ रखी हैं, तो उनको हमने 3 अलग अलग लोकेशन पर भेज रखा है। हमारी टीम जो है वो मौके पर तैनात है जहाँ पर पहले घटना हुई है उसके आसपास, जिससे कि अगर कहीं पर भी मूवमेंट लगता है तो वो वहाँ पर 5-10 मिनट के अंदर पहुँच जाएगा। वन विभाग की सभी टीमें काम कर रही हैं, लगभग 8-10 टीमें हैं, पूरे 3 जिलों की टीमें यहाँ पे, रेंजर्स सभी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी टीमें काम कर रही हैं। और अभी एक केस उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम लगवाएंगे और ड्रोन से भी उस लोकेशन का वॉच हम करेंगे। वन विभाग और आर्मी के जवान पैंथर को पकड़ने के लिए गांव वालों की मदद ले रहे हैं। जमीन पर पैंथर के निशानों की पहचान कर एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पैंथर की लोकेशन न मिलने से गांव वालों की रात की नींद उड़ी हुई है।